Assalamu alaikum students in this video we will do the MCQs of unit number 5 that is about distance and time and these MCQs have been given in the review exercise of unit number 5 so before attempting the MCQ or doing any other question of uh, unit number 5 you should know about the conversion of different units so to know about the conversion of different units come to the page 107 so here you can see the conversion of different units the above one are the uh, unit of distance and the lower ones are the unit of time so this table shows how you can convert these larger unit into smaller one, and this table shows how you can convert smaller unit into bigger unit. Kilometer is the larger unit of distance, then there is meter, centimeter, and millimeter. So if your question has been given in kilometer and you have been asked to convert in meter, then you have to multiply your value with 1000. बट इफ यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इं टू किलोमीटर देन यू हैव टू डिवाइड इट बाई थाउजेंड वन मीटर सौ सेंटीमीटर का एक हो रहा है लेकिन अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कराया है सेंटीमीटर छोटा यूनिट है मीटर बड़ा यूनिट है तो आप अपनी वैल्यू को सौ के साथ डिवाइड करेंगे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट मिलीमीटर बट इफ यू हैव टू कन्वर्ट मिलीमीटर इं टू सेंटीमीटर देन यू हैव टू डिवाइड योर वैल्यू बाई टेन अब डे टाइम के यूनिट शुरू हो जाते हैं वन आवर सिक्सटी मिनट के इक्वल है अगर आपने अपने अपने क्वेश्चन में आर दिए गए और आपको मिनट में कहा है चेंज करने के लिए तो आप सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन मिनट को आर में चेंज करते हुए आप इसको सिक्सटी के साथ डिवाइड करेंगे वन मिनट सिक्सटी सेकेंड के इक्वल है लेकिन अगर आपने सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप अपनी वैल्यू को सिक्सटी के साथ डिवाइड करेंगे वन वीक सेवन डेज के इक्वल है बट इफ़ यू हैव टू डिवाइड इफ यू इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट डेज इन वीक देन यू हैव टू डिवाइड योर वैल्यू बाई सेवन वन मंथ इज़ इक्वल टू थर्टी डेज बट इफ इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट डेज इन टू मंथ दैन यू हैव टू डिवाइड योर वैल्यू बाई थर्टी एक साल में बारह महीने हैं अगर आपसे पूछा गया है कि मंथ को ईयर में डिवाइड करें तो फिर आप इसको अपनी वैल्यू को बारह के साथ डिवाइड करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड करेंगे लेकिन अगर बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे सो नाउ कम टू दम सी क्यूज़ सो द फर्स्ट टाइम सी क्यू इज़ देयर आर डैश मीटर इन टू किलोमीटर पूछा गया है कि दो किलोमीटर में कितने मीटर होंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर हैं तो टू किलोमीटर में कितने होंगे टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू थाउजेंड आ जाएगा अब आप ऑप्शन में चेक कर लें कि आपका आंसर किसके साथ मैच करता है तो टू थाउजेंड फोर्थ ऑप्शन के साथ आपका आंसर मैच कर रहा है तो आप इसको टिक कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टू मयर आर मिनट एंड सेकेंड आर यू पूछा गया है कि आर मिनट और सेकेंड किसके यूनिट हैं टाइम के यूनिट हैं आप टाइम को टिक कर लेंगे नेक्स्ट है सी वाला पार्ट देयर आर डैश मंथ्स इन हाफ ईयर आधे साल में कितने महीने होंगे एक साल में बारह महीने होते हैं आधे साल निकालने के लिए आप ट्वेल्व को टू से डिवाइड करेंगे सिक्स मंथ आ जाएगा आपके पास सिक्स मंथ आप सिक्स वाली ऑप्शन को टिक कर लेंगे नेक्स्ट है देयर आर डैश डेज इन टेन मंथ्स तो आपको पता है वन मंथ में थर्टी डेज होते हैं तो टेन मंथ्स के निकालने के लिए थर्टी को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री हंड्रेड आपके पास आ जाएगा तो थ्री हंड्रेड को आप टिक कर लेंगे नेक्स्ट है जी देयर आर डैश मिनट्स इन फाइव आवर्स कि कितने मिनट्स होंगे पाँच घंटों में एक घंटे में साठ मिनट हैं तो पाँच घंटे के निकालने के लिए आप सिक्सटी को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री हंड्रेड मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप इसको टिक कर लेंगे लास्ट वन इज़ देयर आर डैश डेज इन सेवन वीक्स आपसे पूछा गया है कि कितने दिन बनेंगे सात हफ्तों में तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वन वीक इज़ इक्वल टू सेवन डेज़ तो सेवन वीक्स निकालने के लिए आप सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी नाइन डेज़ आ जाएंगे तो आपका आंसर जो फोर्टी नाइन के साथ मैच करता है आप उसको टिक कर लेंगे